एक टॉपिक, टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, ये ऑप्टिकल पाथ क्या चीज़ है इसको समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे सपोज करो मान लो लाइट आई, लाइट का ये वेव फ्रंट है, हमने किया था आइगन प्रिंसिपल में, और ये लाइट रेयरर से डेंसर में एंटर कर गई। रेयरर से, रेयरर ने नॉर्मल के साथ इसने एंगल क्या बनाया, आई, और जब ये इनसाइड चली गई तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, आर। ये सेम डायग्राम हमने आइगन प्रिंसिपल में बनाया था, तो ये आर है, तो ये भी आर है, ये आई है, तो ये आई है, ये सब हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो इसके अंदर ये वैक्यूम और ये डेंसर, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। साइन आई की वैल्यू क्या होगी इसमें, सी बी डिवाइडेड बाई ए सी। साइन आई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। साइन आर विल बी इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई ए सी। तो एक लिखो साइन आई बी सी बाई ए सी, एक लिखो साइन आर ए डी बाई ए सी, ए सी से ए सी कैंसल। तो क्या आएगा आपके पास, बी सी बाई ए डी। बी सी का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वैक्यूम, और ए डी, ए डी का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डेंसर। तो आप एक चीज़ बताओ मुझे कि जब लाइट, ये वेव फ्रंट इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, तो जितना टाइम बी ने सी में आने में लगाया उतना टाइम ए ने डी में आने में लगाया, तो टाइम टेकन दोनों में सेम है, लेकिन वैक्यूम के अंदर लाइट ने ज़्यादा दूरी कवर कर ली होगी और डेंसर मीडियम में लाइट ने कम दूरी कवर की होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि डेंसर के अंदर लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। टाइम टेकन दोनों में सेम लिया मैंने, और रेयरर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो रेयरर में ज़्यादा दूरी कवर हो जाएगी, डेंसर में कम दूरी कवर होगी। मान तो ये चीज़ टाइम टेकन, जबकि दोनों का सेम है, यानी कि ये डिस्टेंस बड़ा होगा उस हिसाब से और ये डिस्टेंस छोटा होगा। अब इन दोनों डिस्टेंस का रिलेशन में निकाल चुका हूँ, वैक्यूम में डिस्टेंस कितना है बी सी, डेंसर में कितना है ए डी, तो क्या फॉर्मूला आ गया, बी सी इक्वल टू म्यू टाइम्स ए डी। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ए डी डिस्टेंस है ये किस में ट्रेवल्ड है, डेंसर में, और ये किस में ट्रेवल्ड है, वैक्यूम में। डेंसर में डिस्टेंस कम होता है, वैक्यूम में डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो डेंसर में जो डिस्टेंस है उसको अगर आप म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, उस डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, वो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस किस में आएगा, वैक्यूम में आ जाएगा। हालांकि डेंसर में डिस्टेंस तो कम ही होगा, उसको म्यू से मल्टीप्लाई करके जो डिस्टेंस आएगा वो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस वैक्यूम में आ जाएगा। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ इन वैक्यूम। तो ये ऑप्टिकल पाथ का मतलब लाइट का पाथ है ट्रेवल्ड इन वैक्यूम। तो बेसिकली आपको क्या गिवन होगा, आपको ये गिवन होगा कि डेंसर मीडियम में लाइट ने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का 3/2 है। तो बोलो अगर यही लाइट डेंसर को छोड़ के वैक्यूम में होती तो वैक्यूम में कितनी दूरी कवर करती, तो 3/2 × 10 सेंटीमीटर कर देते। ठीक है यहां तक, ठीक है यहाँ तक। तो वैक्यूम का जो डिस्टेंस है वो म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा, डेंसर का डिस्टेंस। तो इसको बोलते हैं वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना, कि कोई भी मीडियम दे देगा, ग्लास दे देगा, वाटर दे देगा, कुछ भी देगा, उसमें डिस्टेंस देगा और हमें वैक्यूम में डिस्टेंस निकालना है। अब क्वेश्चन ही रहता है ऐसा क्यों निकालना है, होगा क्या अभी अगले लेक्चर में, YDS एक्सपेरिमेंट है, एक लाइट एक सोर्स से आएगी, दूसरी लाइट दूसरी सोर्स से आएगी, दोनों लाइट जो हमने डेरिवेशन किया, हमने रिजल्ट्स किए, वो सारे रिजल्ट्स वैक्यूम के अंदर हैं। दोनों लाइट किस में ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम में। वो क्या करेगा, वो एक लाइट के रास्ते में ग्लास स्लैब डाल देगा, एक वैक्यूम में रखेगा और एक ग्लास स्लैब में डाल देगा, या फिर ऐसा कर देगा एक वैक्यूम रखेगा और एक वाटर में से निकालेगा। अब वाटर के अंदर लाइट का पाथ डिफरेंट है और वैक्यूम के अंदर डिफरेंट है, तो या तो दोनों मीडियम वैक्यूम वैक्यूम हो ताकि मैं पाथ डिफरेंस निकाल सकूं सही तरीके से, या दोनों मीडियम वाटर वाटर हो, तो मैं क्या करूंगा वाटर के अंदर इक्विवेलेंट डिस्टेंस को वैक्यूम का इक्विवेलेंट बना लूंगा म्यू से मल्टीप्लाई करके, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो इसलिए दो मीडियम को इक्विवेलेंट बनाने के लिए आपको ये टॉपिक करना पड़ेगा। तो ऑप्टिकल पाथ क्या हुआ, म्यू इनटू डेंसर मीडियम का डिस्टेंस, तो ये एक्सप्लेन्ड है। तो अगर मान लो किसी वेव ने पाथ लेंथ कितनी कवर की, डेल्टा एक्स, यानी कि पाथ कवर किया डेल्टा एक्स किसके अंदर, इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में, तो अगर वो वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना इक्विवेलेंट डिस्टेंस कवर करेगा, म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स, ये इसका ऑप्टिकल पाथ है वैक्यूम में।